और नारनौत से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ एक्शन मोड में नजर आए हैं। विधायक ने प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाई का दौरा किया, जहां पब्लिक हेल्थ की तरफ से 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे वाटर वर्क्स में भारी खामियां जो है वो उजागर की है, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई है बल्कि एसडीओ और जेई को सस्पेंड करने की सिफारिश भी कर दी है। साथ ही जल्द ही काम को पूरा करने के आदेश दिए गए। इसी बीच विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि गांव में 4 एकड़ में पानी स्टोरेज के लिए जो वाटर टैंक बनाया गया था वो सिर्फ 15 दिन में ही लीकेज होकर डैमेज हो चुका है, जिसके चलते गाँव के लोग खारा पानी पीने को मजबूर है। और सिसाई गांव में जो 4 एकड़ का वाटर टैंक बना था, जिसको पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया था, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां 6 महीने के लिए हम पानी का स्टोरेज करते हैं, 3 से 6 महीने का जहां पानी का स्टोरेज होना चाहिए, वो मात्र 15 दिन में लीकेज होकर और वो पानी खत्म हो रहा है टैंक से। तो ये सबसे बड़ी मेजर समस्या थी, जहाँ लोग बहुत ही जहरीला पानी, पशु भी और यहाँ सिसाई गांव के ग्रामीण भी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। आज उसकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने समझाया